लेकिन एक काम बढ़ गया है। पीहू ने क्या किया, फ्रिज में मैंने एक गिलास में दूध रखा हुआ था, तो उसने क्या किया, मतलब वो चॉकलेट निकाल रही थी अपनी, तो उसने जोर से खोल करके ना एकदम से धक्का दे के फ्रिज को बंद किया, तो जो वो दूध था वो पूरे ही फ्रिज में ऊपर से नीचे तक आ गया। तो ये काम अपना बढ़ गया है, तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करने, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। तो चलते हैं अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मैंने एक छोटी सी बाल्टी ली हुई है, और इसके अंदर मैंने ये एक कपड़ा लिया हुआ है, ये कपड़ा लिया हुआ है, ये साफ़ कपड़ा है, मतलब किचन का ही है, जो मैं रैक वगैरह साफ़ करती हूँ वही कपड़ा है। और मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है वॉशिंग पाउडर। और अब चलते हैं, पहले मैं इससे साफ़ करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि मैं किस तरह से करूँगी साफ़। तो चलिए चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखिए एक एक सामान जो मैंने रखा हुआ था वो मैं सब निकाल रही हूँ। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे टिफ़िन में, जैसे ये मैंने मलाई दिखाई, उसके पहले मैंने ये आलू रखे हुए हैं, ये रखी है हरी मिर्च, तो मैं इसी तरह से पैक करके रख देती हूँ। और ये रखे हैं टमाटर, ये है मटर छिली हुई, और ये मैंने किशमिश रखी हुई है इसमें। तो इसका रखने का रीज़न ये था फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर में क्या था, थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा था, इस वजह से मैंने फ्रिज में डाल दिया था। काफ़ी सारी थी, अब तो बहुत कम हो चुकी है। तो ये जैम वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये पीहू के बिस्किट हैं जिनमें दूध दूध हो गया है। तो ये मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, ये लड्डू रखे हुए हैं जो कि पीहू को बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैंने ला के रखे हो। तो ये फ्रेंड्स मेरे ना, इसका फ्रिज का जो ऊपर का शीशा होता है वो टूट चुका है, तो इस तरह से मैंने सब्जियां पैक करके रखी हैं। हाँ, तो वो शीशा टूट चुका था फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैंने ना एक अलग से ऐसे जाली बना के उस पर लगा रखी हुई है। तो मुझे फ्रिज अपना बहुत जल्दी ही चेंज करना है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं करूँगी, जब यहाँ से पोस्टिंग आ जाएगी ना तब ही करूँगी। तो ये कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी वो सब मैं हटा दूँगी। ये अलसी रखी हुई है, अलसी तो आप सभी जानते होंगे वेट लॉस में बहुत अच्छी होती है, तो अलसी मैंने रखी हुई है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। ये मेरे नेल पेंट रखे हुए हैं, और ये शहद की बॉटल रखी थी छोटी सी एक, ये वो मिर्च रखी हुई है, बस इतनी ही बची है, और ये वो दूध का ग्लास है जिसकी वजह से पूरा फ्रिज ख़राब हो चुका था, गंदा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने जो वॉशिंग पाउडर का कपड़ा लिया है उससे मैं पहले सब निकाल निकाल करके अच्छे से पोंछ लूँगी, सारा ही वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे पीहू आगे पीछे थी क्योंकि इनको डांट लगी थी, इस वजह से मैंने इसको बहुत बार बताया कि बेटा फ्रिज ना धीरे से ही बंद किया करो, लेकिन वो क्या करती है, कभी कभी तो बहुत अच्छे से करती है, बट कभी कभी ना पता नहीं क्या होता है तो एकदम धड़ाम से बंद करती है और पूरा दूध इधर उधर हो जाता है। तो बस मैं सारी जालियाँ वगैरह सब निकाल करके मैं अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, सारा ही पूरा ही फ्रिज अंदर से बाहर से पूरा ही क्लीन हो जाएगा अच्छे से। तो वैसे तो मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन चलो आज और थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जितनी भी रैक वगैरह थी ना, मैंने सारी ही अच्छे से पोंछ ली है, क्योंकि इनमें भी ड्रॉप ड्रॉप करके ना दूध वगैरह पड़ा ही हुआ था, इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जो सब्जियां रखी थी, क्योंकि ऊपर मिरर नहीं है, बास्केट के ऊपर का मिरर टूट चुका है, तो इस वजह से ना जो सब्जियाँ रखी हुई थी उनकी पॉलीथीन के ऊपर भी दूध हो गया था। और हाँ, अभी जब यहाँ से पोस्टिंग आएगी तो मैं ये फ्रिज मतलब इसको चेंज कर दूंगी, जो ये फ्रिज है मैं इसको यहीं पे सेल करके चली जाऊंगी, और नेक्स्ट जगह मैं लूंगी, बड़ा लूंगी और नया फ्रिज लूंगी। ये छोटा है लेकिन चल जाता है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है भी नहीं अभी, तो चल जाता है इजीली। तो बस इसी तरह से मैं पोंछ लूंगी सारी ही रह के। पहले मैंने वॉशिंग पाउडर के पानी से पोंछा है पूरा, और इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी। फ्रिज को हर 15 दिन में क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना,
जैसे हम लोग हर चीज़ उसमें रख देते हैं, हर चीज़ रख देते हैं फ्रेंड्स, मलाई हुई, दूध हुई, सब्ज़ी हुई, अगर आटा लगा हुआ है तो वो भी रख दिया, अगर रात में थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो वो भी रख देते हैं। तो इस वजह से ना हमें लगता है कि नहीं उसमें जम्स वगैरह नहीं होंगे ठंडे की वजह से, लेकिन फिर भी यार हर चीज़ हम लोग उसमें रखते रहते हैं ना, तो थोड़ा अपना क्लीनिंग का ध्यान देना चाहिए हमें, और हमें हमेशा मतलब फ्रिज हर 15 दिन में वैसे भी क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग हर सामान रख देते हैं और निकाल के खा भी लेते हैं, तो उसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ये मैं दूसरा पानी चेंज करके ले आई थी, और इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपने सुना होगा कि हाँ भाई खाने खाने वगैरह में डालते हैं, तो मतलब उससे अच्छी तरह से जो खाना होता है जो भी मतलब सॉफ्टनेस के लिए और चीज़ों को पफनेस देने के लिए होता है, लेकिन हाँ अगर उससे हम अपना फ्रिज भी क्लीन करते हैं जैसे कि जो स्मेल वगैरह होती है ना वो भी चली जाती है। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू और सोडा दोनों मिक्स करके उससे एक बार ज़रूर मतलब क्लीन करिएगा। मेरे पास नींबू नहीं था इस वजह से मैंने पानी में ही सोडा डाल करके उसे क्लीन किया, इससे जो थोड़े बहुत भी जो स्मेल सी हो जाती है ना, जैसे कि मेरे फ्रिज में दूध गिर गया था तो क्या होगा, दूध दूध की स्मेल आ जाएगी, वो सब चली जाती है और ना मतलब एकदम से क्लीन हो जाता है फ्रिज। जैसे अगर हमें कहीं बाहर भी जाना है तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि नींबू और खाने वाला जो सोडा होता है उससे आप एक बार फ्रिज अपना क्लीन कर दीजिए पूरा, तो उसमें स्मेल और जो एकदम फंगस से लग जाते हैं ना वो सब बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आपका फ्रिज वैसे का वैसे रहेगा, जो एक स्मेल आ जाती है बंद होने पे फ्रिज का वो सब कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने खाने वाला सोडा डाल करके उसके बाद मैं अच्छे से कर लूँगी क्लीन, फिर से मैंने सारी रैक वगैरह सारी ही पोंछ ली है। फ्रीज़र मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया है क्योंकि वो एकदम ठीक ठाक एकदम साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि अभी तो वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, इस वजह से वो अभी एकदम क्लीन ही था, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है, बस ऊपर से मैंने उस पर कपड़ा मार दिया था उसकी डोर पर। तो बस इसी तरह से मैं पूरी रैक फिर से एक बार कर लूँगी, और मेरा फ्रिज काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत पुराना फ्रिज है फ्रेंड्स, लेकिन एकदम ठीक ठाक चल रहा है, इस पे मैंने अभी तक 2 रुपए भी नहीं लगाए हैं, बस जो उसका बास्केट का जो मिरर था वो टूट चुका था, तो उसके लिए मैंने एक जाली उसी बनवा ली थी, तो मैं उस पर ही रख देती हूँ, तो एकदम ही अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कहाँ से कहाँ तक चला आया है ये फ्रिज, मतलब कितनी दूर दूर हम लोग चले गए हैं इसको ले करके, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो फिर वही होता है ना कि अच्छा सामान है तो फिर अभी उसको क्यों हटाना, अब चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत दूर हैं, वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ से हम लोग का घर तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसलिए अब ये लास्ट है, यहाँ पे इसको बेच के जाएंगे और नेक्स्ट जगह फिर दूसरा ले लेंगे। तो इसी तरह से मैंने जो सारा सामान है ना, ये देख रहे हैं अलसी का पैकेट मैंने रखा हुआ है, तो ये सब भी मैं ना एक बार इसी से पोंछ दूँगी, इसी पानी से मैं सब कुछ पोंछ करके और फिर अच्छे से रख दूँगी। ये डाबर हनी की बॉटल है, ये जैम है, एक मैंगो फ्लेवर है और एक मिक्स वाला है फ्रूट जैम। तो ये छोटी वाली डाबर हनी की बॉटल है, और ये किसान का है, किसान कैचअप है, ये पीहू की जो दवाइयाँ हैं थोड़ी बहुत वो रखी हुई हैं, तो एंड टाइम के लिए थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। तो बस मैं ये सारी ही चीज़ें अच्छे से पोंछ करके रख दूँगी। ये मेरे नेल पेंट हैं, थोड़े बहुत बाहर पड़े हुए हैं, मगर ये एलेटीन के थे तो इस वजह से मैंने इसमें रख दिए हैं, और बाकी तो थोड़े ऐसे ही हैं 20-25-30 रुपए वाले ही हैं, तो ये थोड़े अच्छे थे इसलिए मैंने रख दिए। ये मटर रखी हुई है मैंने इसमें पॉलीथीन में करके, सब्ज़ी आप ऐसे रखिए हमेशा फ्रेश रहती हैं, तो इस तरह से मैंने इसकी भी पॉलीथीन को अच्छे से पोंछ दिया है था, क्योंकि उस पर भी ड्रॉप्स वगैरह आ गई थी। ये बंद गोभी रखी हुई है तो मैं इसको भी रख दूँगी, और ये है बीन्स, तो बीन्स बहुत ही थोड़ी सी बची हुई है मगर अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अभी पहले इतनी सब्ज़ी पहले ख़त्म हो जाए उसके बाद देखते हैं। ये है लौकी, तो इसको भी मैं सेट कर दूँगी, टमाटर और ये लड्डू, इसमें मलाई रखी हुई है फ्रेंड्स, तो मलाई का डब्बा मैंने रख दिया है, बॉयल आलू मैं हमेशा करके रखती हूँ, तो अब ख़त्म होने वाले हैं, 2 ही बचे हैं क्योंकि इमरजेंसी में काम आ ही जाते हैं। और ये मैंने मिर्च वगैरह ना ऐसे डब्बे में करके रखी हुई है, जो सोन पापड़ी के डब्बे वगैरह हो ही जाते हैं बहुत सारे, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। और ये पीहू के हैं बिस्किट,
इसमें भी दूध आ गया था, तो उसको मैंने धो करके अच्छे से रख दिए हैं ऊपर से। और ये थी वो ग्लास, तो इसको भी मैं रख दूँगी दोबारा से, उसी में ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये ना एक्चुअली पैकेट वाला दूध है, तो वो पीने के उसमें नहीं आता है, ये इसमें चाय वगैरह बन जाती है और पीने के लिए अलग से गाय का लेती हूँ। तो फ्रेंड्स नीचे भी जितनी भी गंदगी, क्योंकि मैं सफाई पूरी कर चुकी थी, क्लीनिंग कर चुकी थी, तो मुझे दोबारा से पोछा तो लगाना नहीं था, तो जितनी भी मैंने क्लीनिंग करी जितनी जगह में, तो उतनी जगह पे मैं फिर से एक बार इसी कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसे तो मुझे वॉश करना ही है अच्छे से। और घर गंदा नहीं था, मैं पहले ही पोछा वगैरह लगा चुकी थी, तो इस वजह से घर साफ़ ही था। तो बस ये हो चुकी है हमारे फ्रिज की क्लीनिंग, तो ये है लास्ट लुक। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, एक एक रैक मैंने एकदम अच्छे से सेट कर दी है और अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो और फ्रीज़र मेरा साफ़ ही था फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने उसको क्लीन नहीं किया, बस ऊपर से पोंछ दिया था। तो बस हो चुकी है हमारी क्लीनिंग। और मैं यहाँ पे कह रही थी कि भाई है कि खाने वाला सोडा डाल करके क्लीन करेंगे ना, तो उससे स्मेल वगैरह नहीं आती है, तो बस मैं यही बताना चाह रही थी आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये क्लीनिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें मोटिवेट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी करिएगा, एक लाइक दे के जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।